विज्ञान एवं वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को कितना सरल बनाया है। वैज्ञानिक परीक्षणों से आविष्कार और आविष्कारों से मानव जीवन का सरल हो जाना केवल वैज्ञानिकों के कारण ही सफल हो पाया है। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के विषय में जानते हैं। माइकल फैराडे के विज्ञान के दुनिया के एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 22 सितंबर सन 1791 को इंग्लैंड के न्यूइंगटन बट्स शहर में हुआ था। माइकल फैराडे एक गरीब परिवार से थे। इनके पिता बहुत गरीब थे और लुहार का कार्य करते थे, जिसके कारण माइकल फैराडे को बस सामान्य स्कूली शिक्षा ही प्राप्त हो पाई। फैराडे ने अपना जीवन लंदन में बुक्स बाइंडर की नौकरी से प्रारंभ किया। समय मिलने पर रसायन एवं विद्युत भौतिकी पर पुस्तक पढ़ते रहते थे। सन 1813 ईस्वी में प्रसिद्ध रसायनज्ञ सर हेम्फ्री डेवी के व्याख्यान सुनकर उन व्याख्यानों पर टिप्पणियां लिखी और डेवी के पास भेजा। सर हेम्फ्री डेवी इन टिप्पणियों से बड़े प्रभावित हुए और अपनी अनुसंधान शाला में इन्हें अपना सहयोगी बना लिया। फैराडे ने लगन के साथ कार्य किया और निरंतर प्रगति कर सन 1833 में रॉयल इंस्टीट्यूट में रसायन के प्राध्यापक हो गए। बाद में माइकल फैराडे अंग्रेजी भौतिक विज्ञान एवं रसायनज्ञ बने। उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आविष्कार किया। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर अध्ययन करके उसको नियमबद्ध किया। उनके इस आविष्कार से डायनेमो तथा विद्युत मोटर का निर्माण हुआ और इस प्रकार मोटर के आविष्कार से मानव जीवन ने न जाने कितने वस्तुओं एवं साधनों का निर्माण किया। अपने जीवन काल में फैराडे ने अनेक खोजें की। चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया और इसी सिद्धांत पर जनरेटर बना तथा आधुनिक विद्युत इंजीनियर की नींव पड़ी। फैराडे के अन्य आविष्कारें जैसे कि इंडक्शन के नियमों की संस्थापना, क्लोरीन गैस का द्रवीकरण, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लाइंस ऑफ फोर्स, फैराडे इफेक्ट आदि ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक योगदान दिए। फैराडे जीवन भर अपने कार्य में लगे रहे। महान वैज्ञानिकी सफलता प्राप्त करने का इससे अच्छा उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास में न मिलेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव एवं राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।